साथियों, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो और जीडी के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। क्लासेस के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें परिवर्तन बैच। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो और जीडी के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। क्लासेस के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें परिवर्तन बैच। धन्यवाद। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। परिवर्तन 2.0 मुलाकात होगी आप सबसे 70 प्लस कोर्सेज के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। साथियों, यह है आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज वाली क्लास। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आपके आज के बेहतरीन सेशन का। तो सबसे पहले जो आपका परिवर्तन 2.0 70 प्लस कोर्सेज 1499 रुपए में एक साल की वैलिडिटी के साथ उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको रेंज ऑफ सब्जेक्ट मिलेंगे, मतलब आप किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को करना चाहते हैं तो आप इसमें उस चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई साहब वी आर प्रेजेंट। चलो एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर करो। चलो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है ड्रिल मशीन के ऊपर। किसके ऊपर? ड्रिल मशीन के ऊपर। प्लंबर के हाथों में एक ड्रिल मशीन एक अच्छा प्रकार है किस चीज का, बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताइए जरा इसका आंसर। चलो जल्दी जल्दी देखो इसका आंसर क्या बनता है, जल्दी बताइए जरा इसका आंसर क्या बनता है। कंज्यूमर। अरे भाई साहब, आई नीड अ व्हाइटनर, आई नीड अ व्हाइटनर। चलो कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता। ड्रिल मशीन अगर किसी प्लंबर के हाथ में हो वो किस प्रकार का गुड है या वस्तु है? वो एक उपभोक्ता प्रकार का वस्तु है। मतलब इन्होंने उसकी भाषा में पूछा, इकोनॉमी की भाषा में, कैसे समझो। अगर आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल को क्या करते हो? उपभोग ही तो करते हो। उपभोग हम जान ली कहते हैं कि अगर तुम कोई केक ले लोगे, खा लोगे, उपभोग किया। उसी प्रकार से अगर प्लम्बर ने कोई मशीन ली है, उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उपभोग कर रहा है उसका, ठीक है, ये होता है। चलिए एक होता है उत्पादन करना। उत्पादन किस लिए करते हैं? क्योंकि बेचता है, बेचने के बाद क्या होता है? उपभोग होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हैज हाउ मैनी ऑर्गेन्स? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हैज हाउ मैनी ऑर्गेन्स? बताओ जरा, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? 1 2 3 4 1 2 3 4 जल्दी बताओ जरा, जल्दी बताओ।
भारतीय संविधान के अनुसार उसके कितने अंग हैं? चलो जल्दी बताओ जरा, इसका आंसर क्या बनता है? 3। ठीक है, देखो हमारी जो सरकार होती है, मैंने कल भी इसके बारे में समझाया था, उसके कितने अंग होते हैं? उसके 3 अंग होते हैं। किस प्रकार? देखो किसी भी सरकार में कानून बनाने की व्यवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायी कहते हैं, जहां पर कानून बनता है। उसके बाद उस कानून को कोई लागू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यकारी कहते हैं। उसके बाद वो कानून सही ढंग से लागू हुआ कि नहीं, उसको कौन चेक करता है? न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, हालांकि लिखित तौर पर तो नहीं, लेकिन मीडिया को भी अंग मान लिया गया है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया? बताओ जरा, 10, 8, 6, 4। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स, कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए जरा, कितने मौलिक अधिकार हैं? बताओ जरा, बताओ। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? जल्दी बताओ जरा। चलो साथियों, सभी लोग मिलकर एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। देखो हमारे संविधान में कुल मिलाकर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहली बात तो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में आते हैं। इसका जो कोर भाग है, इसका जो सबसे ज्यादा मुख्य भाग है, वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक आता है। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकार खत्म 35 में जाकर होते हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धर्म का अधिकार अलग है, उपचार अलग है। ठीक है, उसके बाद शोषण से बचने का अधिकार, इस प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर आर्टिकल नंबर 32 है मौलिक अधिकार के अंदर, उसको तो भाई साहब दिल्ली कह दिया गया संविधान का, वो नहीं तो संविधान के होने का वजूद ही नहीं। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा इतना बड़ा शरीर तैयार कर दिया, उसके अंदर से दिल निकाल दो या उसके अंदर से आत्मा निकाल दो, हो गया भाई साहब। चलो, अंडर हूज प्रेसिडेंटशिप फाइट फॉर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पोस्ट? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में लड़ा गया था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में लड़ा गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी बताओ जरा। चलो जल्दी जल्दी बताओ जरा इसका आंसर। देखो इसका बड़ा सीधा सा आंसर बनता है, पूर्ण स्वराज। जल्दी बताइए जरा, आप लोग बता दीजिए। चलो, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, देखो क्या बात है चाचा, 22 राजा के चाचा लगते हैं मेरे को लगता था। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने दिया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन? जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ये झंडा फहराकर की थी। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने लाहौर में झंडा फहराया था। ठीक है, लाहौर में इन्होंने क्या किया था? रावी नदी के किनारे पर, मतलब समझो, देखो लाहौर में रावी नदी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी जाती है? रावी नदी। वहां पर इन्होंने झंडा फहराया 1929 को, और 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के इस मांग को ऑफिशियली अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, हूज डिसेंडेंट्स वर द मुगल फ्रॉम देयर फादर साइड? बताओ जरा, उनके पिता की ओर से किसके वंशज मुगल हैं? बताओ जरा, उनके पिता की ओर से किसके वंशज मुगल हैं? बताओ, तिमूर के, चंगेज खान के, शेरशाह सूरी के या नाना बाबा? बताओ जरा, जो मुगलों में पिता की ओर से किसके वंशज थे? बताओ जरा, ये जो मुगल थे पिता की ओर से किसके वंशज थे? जल्दी बताओ जरा। चलो साथियों, जितने भी लोग लाइव है, एक बार मिलकर सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दो।
समझो, मुगल मुगल वंश आया था, पिता की ओर से इनका क्या सिस्टम था, पिता की ओर से ये तिमूर की तरफ थे। किसकी तरफ थे? पिता की ओर से, तिमूर की तरफ से। हालांकि ये अपनी माता की तरफ से क्या थे? चंगेज खान से। ठीक है, कहां से? चंगेज खान से जुड़े हुए थे। तो मतलब समझ लो कि चंगेज का खून भी था इनके अंदर। चलो, मुगलों ने भाई साहब काफी लंबे पीरियड तक इन्होंने वहां पर कंट्रोल अपनाया। चलिए, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में जल्दी बताओ जरा, कुल कितने ग्रह हैं बताइए जरा। सोलर सिस्टम, जल्दी बताओ जरा, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? देखो, सूर्य के इर्द गिर्द कुल मिला के 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से जो सूर्य है, एक मिनट, सन सन के इर्द गिर्द जो ग्रह है, 1, 2, 3, 4, ये 4 ग्रह तो इंटरनल प्लैनेट आ जाते हैं, जिसमें अर्थ भी आती है, बाद में मार्स भी आता है, इसके बाद यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है, उसके बाद बड़े बड़े ग्रह आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे 8 ग्रहों का सोलर सिस्टम में सिस्टम बनता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इस सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य बना, सूर्य के बनने के कुछ तकरीबन 1 अरब साल बाद ग्रह बनने शुरू हुए। ठीक है, चलिए, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखो, अगर ये कभी ये प्रश्न पूछ लें कि पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र है उसके अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, समुद्र के अंदर भी पहाड़ियां होती हैं और कुछ पहाड़ियां तो हिमालय पर्वत से भी ऊंची हैं, माउंट एवरेस्ट से ऊंची हैं, ये बात याद रखना इस बात को। चलो साथियों, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार सब लोग मिलकर लाइक कर देंगे। चलिए, नो डाउट, नन अदर देन माउंट एवरेस्ट। ये नन अदर देन माउंट एवरेस्ट है कहां पर? ये भारत का सिस्टम है, ये उत्तराखंड, इधर से ऐसे ऐसे, ये क्या है? नेपाल है, ये उत्तराखंड है, यहां पर चीन के साथ नेपाल का बॉर्डर है, और यहां पर जो सेंट्रल हिमालय की पर्वत श्रृंखला जा रही है उसी पर्वत श्रृंखला में यहां पर नेपाल और चीन के बॉर्डर पे हिमालय पर्वत है, 8843 मीटर की ऊंचाई, और यहां पर इसी श्रृंखला में एक कंचनजंगा आता है जो बहुत ऊंचा है, सिक्किम में आता है और नेपाल में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 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 भाई साहब, चलो 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 भाई साहब, चलो चलो। इफ द स्टमक डिड नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन, बताओ जरा। इफ द स्टमक डिड नॉट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन, पटाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लिपासे, जल्दी बताओ जरा। चलो साथियों, जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक कर दें, मैंने लाइक करने के लिए बोला है, लाइक के अलावा कुछ और करने के लिए नहीं बोला। चलो, पेप्सिन, क्या इसका आंसर बनता है? पेप्सिन। चलो, और बड़ा सा पेड़ होता है उसके अंदर जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप जड़ों को जमीन से निकालते हो कि जड़ों के अंदर से भी छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ का तना होता है बहुत मोटा जिसके ऊपर पेड़ खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद भी तने निकल कर आते हैं साइड में, उसी प्रकार से जो जड़ें होती हैं जड़ों के अंदर से भी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को कहते क्या है? उन जड़ों को कहते क्या है बताओ जरा? उन्हें लेटरल रूट कहते हैं। ठीक है, पार्श्व जड़ कहते हैं, जड़ों के अंदर से जो जड़ निकलते हैं छोटी छोटी, वो वाली। चलो चलो, देखो, जो बिजली इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली का काम करते हैं,
वो अपने काम करते वक्त अपने हाथ में रबड़ के दस्तानों का उपयोग करते हैं क्यों? अपने हाथ में रबड़ के दस्तानों का उपयोग करते हैं क्यों? क्योंकि रबड़ के दस्ताने क्या होते हैं, उसमें से बिजली पास नहीं कर सकती, उनको करंट नहीं लगेगा, बेचारे जिंदा रहेंगे, ठीक है। इसलिए लकड़ी भी यही होती है, इसके अंदर ये भी इंसुलेटर होते हैं, इसके अंदर से भी वो नहीं निकल सकती बिजली। चलो पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है हम सब जानते हैं, ये है पेंडुलम, इधर को कर दो चाहे चाहे इधर को कर दो, यदि एक पेंडुलम को निर्वात में दोलन करने की अनुमति है तो इसकी समय अवधि क्या होती है, बताओ जरा। इफ ए पेंडुलम इज अलाउड टू ऑसिलेट इन वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है सब जानते हैं, इसमें हवा नहीं होती, कोई भी एक शीशे का बना लो, उसके अंदर हवा निकाल दो, उसके अंदर पेंडुलम को घुमा दो, ठीक है। जब पेंडुलम घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, समय अवधि बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी बताओ जरा। सीधी सी बात है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। चलिए वहां पर एयर मोशन कहाँ होता है, चलिए, विच फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस इज करेक्ट, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का कौन सा फॉर्मेट सही है, xyz@website@code.in, चलो ये बता दो आप, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो सही है मेल भेजने का, जल्दी बताओ जरा। बताओ जरा कौन सा फॉर्मेट सही है मेल भेजने का, देखो समझो इसका आंसर क्या बनता है, सी। अब आप कहोगे भाई साहब ये कैसे, समझाता हूं। सुमित राणा @gmail.co.in कुछ इसी प्रकार से बनता है ना, अगर आप कुछ और लगा लो, सुमित राणा @redditmail.co.in और लगा लो सुमित राणा @outlook.co.in के बाद @ भाई साहब पहले आता है, इसी प्रकार से मेल भेजी जाती है, तो ये तो भाई साहब मतलब फ्री के नंबर थे, फ्री के। चलो अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, बताओ जरा, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे तय किया जाता है, ठीक है। देखो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी एक परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी एक परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या होती है, किसी भी एक परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या होती है, वो तय करता है कि कितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। देखो कोई भी एटम लगे लो, कोई भी एटम ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा एक अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव आयन आ जाता है, अगर पॉजिटिव जिस हॉल में पॉजिटिव पड़ा है वहां हॉल रह जाता है, मतलब बहुत कुछ है, बड़ा पड़ा है भाई साहब, इसके अंदर इसको और तोड़ोगे क्वार्क्स निकल के आते हैं, पता नहीं क्या कुछ निकल के आता है। चलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ द मोस्ट स्टेबल और इनर्ट एटम इज, बताओ जरा, सबसे स्थिर या अक्रिया परमाणुओं के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जल्दी बताओ जरा। देखो कोई भी एटम है उसके बहुत सारे शेल होते हैं, ठीक है, जैसे एक शेल लगा लो इसके अंदर एक एटम होगा, दूसरा शेल उसके अंदर दो एटम आ गए, तीसरा शेल लगा लो उसके अंदर तीन एटम आ गए, सबसे जो सबसे ज्यादा स्टेबल वाले एटम्स होते हैं ना उसके सबसे आउटर शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 एटम होते हैं, कितने एटम होते हैं, 8 एटम होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इंप्योरिटी इन सीवेज कॉल्ड, सीवेज में भंग और निलंबित अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, सीवेज में भंग और निलंबित अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, बताओ जरा जल्दी बताओ,
इंप्योरिटी वेस्ट सॉलिड कंटेमिनेंट्स, जल्दी बताओ जरा। देखो सिंपल सा आंसर है इसका, कंटेमिनेंट। इसका आंसर क्या होता है? कंटेमिनेंट्स। ठीक है, युक्तियां, कोई भी ऐसी, सीवेज क्या होता है? सीवेज होता क्या है? सिंपल सी बात है, जो भी पानी के माध्यम से अगर आप नहाते हो, कोई बर्तन धोते हो या कपड़े धोते हो, कुछ भी करते हो, सारा का सारा पानी पाइप के माध्यम से सीवरेज में जाता है, वहां पर अगर किसी प्रकार की अशुद्धियां, उसे कंटेमिनेंट कहते हैं। अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़े हो, केमिकल के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो वहां पर पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे भाई साहब वहां पे जाके सारे के सारे चीजें गिरे। ठीक है, चलिए लगा दो। साथियों, आप सब लोग देख पा रहे होंगे परिवर्तन 2.0, 70 से ज्यादा कोर्सेज एक साथ ऑफर मिल रही है 10 मई तक के लिए। कब तक के लिए? 10 मई। भाई साहब बहुत नजदीक है 10 मई, 6 दिन रह गए हैं। और बम्पर ऑफर है, बम्पर। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया एग्जामपुर का ऐप, तो ऐप डाउनलोड कर लो। नीचे आपको व्हाट्सएप और फोन नंबर भी दिए हैं, फोन कर लो। 1499 रुपए का कोर्स है, पीडीएफ है, लाइव क्लासेस है, सैटरडे और संडे से टेस्ट है, एक साल की वैलिडिटी है, रेंज ऑफ सब्जेक्ट, रेंज ऑफ टीचर, जो मर्जी उठाओ, जो मर्जी कर डालो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऋण श्रेणी नहीं है? जल्दी बताओ जरा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल्दी बताओ जरा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर क्या बनता है? व्यस्क। ठीक है, व्यस्क। अब समझो क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लाई गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लाई गई। ठीक है, इसके लिए मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया। किसको सेटअप किया गया? इसके लिए मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया, हेडक्वार्टर जिसका कहां पर था? मुंबई में था। ठीक है, मतलब बहुत सारे बैंक, मतलब ये सेटअप करने की बात की गई। ठीक है, ये किसको लोन देने का काम करता है? जो छोटे वित्तीय संगठन है उनको लोन देने का काम करता है। छोटे वित्तीय संगठन, छोटे से बैंक लगा लो, छोटे छोटे लोन हाउस लगा लो, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक से हटके वित्तीय प्रणाली को चलाती हैं, उनको लोन देने की बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनको लॉन्च की गई है। इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था? देखो, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, हमारे देश में उद्योगों को कैटेगरी में बांट रखा है, जिसके अंतर्गत बड़ी कंपनियों को कुछ ऐसी कैटेगरी के उद्योग हैं जिसमें उतरने की उनको परमिशन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर अलमारियां बनती हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर कुर्सियां भी बनती हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें जहां मंजे बनते हैं। तो ये छोटे लघु उद्योगों में आ जाता है। ठीक है, तो लघु उद्योग को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो पैसा मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक का सेटअप कर दिया। वो क्या करेगा? उन संस्थानों को, उन वित्तीय संस्थानों को, कोई बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आगे एमएसएमई को लोन दे, उनको लोन देने का काम करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रह गति के निम्नलिखित खोज कानूनों में कौन है? बताओ जरा। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग डिस्कवर्ड लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रह गति के निम्नलिखित खोज कानूनों में कौन है? जे कैपलर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एन कोपरनिकस या ओटो ब्लैथी? जल्दी बताओ जरा। साथियों, एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर करेंगे। चलिए 300 तक पहुंचेंगे। चलिए सभी लोग मिलकर एक बार सेशन को शेयर करेंगे और 300 तक पहुंचेंगे। ठीक है,
देखो प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत, प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, ग्रह घूमते नहीं है, अपने भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं। ये जो सिद्धांत था इसकी खोज जे कैपलर ने की थी, ठीक है, किसने की थी, जे कैपलर ने इसकी खोज की थी। चलो चलो, फुलकारी कंथा और चिकनकारी आर फेमस फॉर्म्स ऑफ, बताओ जरा, फुलकारी कंथा और चिकनकारी निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध रूप है, डांस पेंटिंग संगीत कढ़ाई, बताओ जरा, डांस पेंटिंग संगीत या कढ़ाई, जल्दी बताइए जरा, चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ जरा, है क्या ये फुलकारी कंथा चिकनकारी, बताओ जरा, इसका आंसर क्या आता है, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी। समझो क्या सिस्टम है, कपड़ा होता है ना कपड़ा, आप क्या करते हो, अब ये भी लघु उद्योग के अंदर आता है, सोचो जो दर्जी होता है कपड़े को सिलता है, अगर कोई फैक्ट्री जैसे जीन वगैरह खरीदी जाती है, अगर महिलाओं के कपड़ों की फैक्ट्रियां लग जाए तो दर्जियों का काम कैसे चल पाएगा भाई साहब, वो तो मशीनें लगा के तगड़ा काम कर देंगे। उसी प्रकार से सूट सिलवाने के बाद या कुर्ता पजामा सिलवाने के बाद या कुछ भी ऐसा करने के बाद या चुन्नियां कढ़ाई कराने के बाद साड़ियां बनवाने के बाद अगर किसी महिला का मन आता है कोई बढ़िया सा डिजाइन हमारे सूट के ऊपर या साड़ी के ऊपर होना चाहिए, वो डिजाइन में बड़ा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मोतियों का इस्तेमाल होता है, धागों का इस्तेमाल होता है, पता नहीं क्या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बहरहाल महिला नहीं है तो पता नहीं है, बस होता है थोड़ा बहुत पता है बस जितना जिंदगी में थोड़ा है, तो वो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई कहलाती है, ठीक है। तो ये फुलकारी कंथा चिंकारी, फुलकारी तो मेरे को पर्सनली पता है ना, फुलकारी तो पंजाब में की जाती है, ठीक है, पावे फुलकारी होते वेल बूटियां, तो गाना ही बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम में गिप्पे गरेवाल का। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम गॉड्स ऑफ एंटार्क्टिका, गॉड्स ऑफ एंटार्क्टिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गॉड्स ऑफ एंटार्क्टिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विशाल सिक्का, तरुण खन्ना, यशवर्धन शुक्ला या अमिताभ घोष, जल्दी बताओ जरा। चलो सभी लोग साथियों मिलकर एक बार सेशन को शेयर करिए और जितने भी लोग लाइव है मिलकर लाइक करिए। चलिए इसका आंसर क्या बनता है, यशंद्रा यशवर्धन शुक्ला, ठीक है, यशवर्धन शुक्ला। मेकोंग गंगा कॉपरेशन इज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड हाउ मेनी अदर कंट्रीज, जो मेकोंग गंगा सहयोग है वो भारत के साथ कितने अन्य देशों का सिस्टम है, बताइए जरा, मेकोंग गंगा कॉपरेशन, जल्दी बताओ जरा, मेकोंग गंगा कॉपरेशन, पता होना चाहिए, पता होता भी है, पता होना चाहिए, पता पता होना चाहिए, पता होता भी है, पता होता भी है, जल्दी जल्दी बता दो, चलो 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 चलो, देखो इसका आंसर क्या बनता है, पांच, ठीक है, पांच देश प्लस एक कौन सा है, भारत। इसका गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, 10 नवंबर 2000 में, ठीक है, 10 नवंबर सन 2000 में इसका गठन कहां पर हुआ, लाओस देश में हुआ, ठीक है, कौन से देश में हुआ, लाओस देश में हुआ। भारत के अलावा कौन कौन से, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे के सारे देश इसके अंदर हिस्सेदार हैं इस कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। चल रहे, सबसे पहले मीटिंग इसकी वहीं पर हुई थी, ठीक है। मेकोंग एक नदी है, गंगा एक नदी है, इसका नाम लेकर इन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम चलाया था, ठीक है। इसके अंदर पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि परिवहन, इन सब क्षेत्रों के ऊपर काम किया जाता है इन सारे देशों में मिलकर। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ, भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता,
पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, जल्दी बताओ जरा। इसका आंसर क्या बनता है? महाराष्ट्र। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है? महाराष्ट्र इसका आंसर बनता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी बताओ जरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ जरा। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? क्या बात है, तुम लोगों का शेयर करने का मूड नहीं है लगता है आज, तुम लोगों का शेयर करने का मूड नहीं है मेरे भाई। चलो क्या बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत देश की एक सीमा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अपना अरुणाचल प्रदेश। इस सीमाओं के दायरे के अंदर तीनों के तीनों क्षेत्रों में, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, जितने भी प्रकार का चीजों का उत्पादन किया जाता है एक साल में, वो हमारा जीडीपी होता है। हालांकि जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन मुख्य माध्यम होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि कितनी कमाई हुई उत्पादन पे या वो, या कितना खर्चा किया उत्पादन पे या वो, या उसके अलावा एक होता है आपका, एक और मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है भारत में, ग्रॉस मतलब वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, किसान ने गेहूं की फसल उगाई, अब गेहूं की फसल उगाने के लिए किसान को उर्वरक भी लगे, खाद भी लगी, खुद की मेहनत भी लगी, ट्रैक्टर भी लगा, पेट्रोल भी लगा, वो क्या हो गया? वैल्यू एडिशन हो गया, क्योंकि बीज से उसने गेहूं बनाया, बीज से गेहूं बनाने में जो सामान लगा और उसकी मेहनत लगी, उसके उसने खर्चा लगाया कि हाँ भाई साहब ये मेरा खर्चा है, वो उसका वैल्यू एडिशन हो गया। उसके बाद वो आटा, वो गेहूं कहाँ गया? मिल में गया, पिसा, जब पिसा गया, मशीन लगी, टाइम लगा, एनर्जी लगी, उसने पैसा लगा दिया अपना। उसके बाद वो फैक्ट्री में गया तो ब्रेड बना, उसने अपना पैसा लगा दिया, पैकिंग हुआ, बिका, तो ये सारा का सिस्टम। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर कोई विदेशी भारत में रहकर किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई विदेशी कंपनी आ जाए भारत में मोबाइल की उत्पादन करना शुरू कर दे, भाई साहब तो ठीक है, लगे लंका मजे से, अब वो भी है, वो भी जीडीपी के अंदर काउंट होगा। लेकिन अगर जीडीपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा कि फॉरनर्स ने इंडिया में रहकर जो कमाई की है और इंडियंस ने जो फॉरन में रहकर कमाई की है उसको प्लस कर देंगे, इंडिया वाले फॉरनर्स की माइनस कर देंगे, तो भाई साहब नेशनल का आ जाएगा, देश का आ जाएगा। ठीक है, चलो, अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। बेरोजगारी तब होती है जब लोग साल के कुछ महीने के दौरान नौकरी खोजने में सक्षम नहीं होते। अब बताओ कि क्या होता है वो? सीजनल, मौसमी, डिस्गाइज्ड, प्रच्छत्र, शिक्षित या अशिक्षित, बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या बनता है? सीजनल। ठीक है, मौसमी। क्या इसका आंसर बनता है? सीजनल, मौसमी इसका आंसर बनता है। चलिए, फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? मत्स्य पालन आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जल्दी बताओ जरा। चलो, फिशिंग किस क्षेत्र के अंदर आता है? साथियों, सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर करिए, मेरे को लग रहा है तुम लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, पता नहीं क्या बात है। देखो भाई साहब, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर में क्या कहते हैं हम? कृषि और कृषि से लगते उद्योग। मछली पालन को कृषि के अंदर, मुर्गी पालन को कृषि के अंदर, गाय पालन को कृषि के अंदर गिना जाता है भाई साहब, प्राइमरी सेक्टर है वो। कतई खत्म है। चलो कोई नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेकोगनाइज एवरी पर्सन एज, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को किस रूप में मान्य देता है? गरीब, अमीर, असमान या बराबर, जल्दी बताओ जरा। गरीब, अमीर, असमान या बराबर। देखो, भारतीय संविधान सबको अपने सामने समान रूप से देखता है, अमीर को और गरीब को।
हालांकि ये आजकल के दौर में कहने वाली बातें ही हैं। चलिए, इन विच ईयर सिविल राइट्स मूवमेंट बिगन, बताओ जरा। इन विच ईयर सिविल राइट्स मूवमेंट बिगन, बताओ जरा। इन विच ईयर सिविल राइट्स मूवमेंट बिगन, 1950, 1945, 1955 या 1960? किस वर्ष में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ? किस वर्ष में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ? 1955 में, ठीक है। कब हुआ? 1955 में। किस वर्ष में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ? 1955 में। चलो, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लोथल शहर किस नदी की सहायक नदी के किनारे खड़ा है, बताओ जरा। जो लोथल शहर है, ये लोथल शहर को तो लोथल शहर को सिंधु घाटी सभ्यता में भी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। लोथल शहर किस नदी की सहायक नदी के किनारे खड़ा था, बताओ जरा। चलो चलो जल्दी बताओ जरा। चलो 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 बाजी, चलो 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 चलो। देखो इसका आंसर क्या आता है, साबरमती, ठीक है। क्या इसका आंसर आता है? साबरमती इसका आंसर आता है, ठीक है। क्या इसका आंसर आता है? साबरमती इसका आंसर आता है। चलिए, विच वॉइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल? विच वॉइसरॉय, किस वॉइसरॉय ने बंगाल का विभाजन किया? विच वॉइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल, बताओ जरा। देखो बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ और 1909 तक ही वजूद रहा उसका, लेकिन बंगाल इसके चक्कर में बाद में बांग्लादेश बना। जल्दी बताओ जरा। और देखो इसका आंसर बिल्कुल सही, करजन, ठीक है। कब? करजन ने। और इसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। क्या चलाई थी? स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी। चलो, विच कंस्टिलेशन इज कॉल्ड सपाट ऋषि, सप्तऋषि, बताओ जरा। किस नक्षत्र को सप्तऋषि कहा जाता है? किस नक्षत्र को सप्तऋषि कहा जाता है? उषा, उर्स प्रमुख, बड़ा भालू, छोटा भालू या ओरियन, बताओ जरा। विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सप्तऋषि, बताओ जरा। देखो सप्तऋषि किसे कहा जाता है? उर्सा मेजर को, ठीक है, ठीक है। सप्तऋषि, देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तारों का समूह, 10-12 तारे या 5-7 तारे एक साथ हों, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं। व्हाट कॉज चेंजेस इन द सीजन ऑन अर्थ, बताओ जरा। पृथ्वी पर ऋतुओं के क्या परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या होता है? रोटेशन, रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, नन ऑफ अबव, बताओ जरा। जो पृथ्वी में पर्यावरण होते हैं उसका कारण क्या है, जल्दी बताओ जरा। साथियों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। देखो हमारी धरती, ये क्या है? सूर्य, सूर्य पीले रंग का बनाऊंगा मैं। सूर्य, सूर्य के इर्द गिर्द क्या चक्कर लगा रही है? धरती। अब कभी जो ये चक्कर है एलिप्टिकल पाथ में है, मतलब गोल नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो सूर्य कुछ यहां पर करके आता है, ठीक है। तो कभी धरती सूर्य के करीब होती है, कभी दूर होती है। जब दूर होती है तो सर्दी होती है, जब नजदीक होती है तो गर्मी होती है। तो ये ऋतु है। अब गर्मी से सर्दी की तरफ जाएगा तो ऋतु फिर भी बदलेगी। तो रेवोल्यूशन, जो इसका चक्कर होता है ना सूर्य के इर्द गिर्द, ये बहुत बड़ा इसका कारण है, ठीक है। चलो, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड डाउन द ऑर्गेनोग्राम, चलो। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ जरा। साथियों एक बार 300 तो कर दो कम से कम। देखो इसका आंसर क्या बनता है? क्रीपर, ठीक है। क्या इसका आंसर बनता है? क्रीपर्स इसका आंसर बनता है, ठीक है। भाई साहब पेड़ के अंदर क्या ही नहीं छुपा, भाई साहब खोज करने लगो तो। चलो, पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड, बताओ जरा। एक पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है। देखो क्या तना क्या होता है, ये क्या हो गया? मिट्टी हो गई, इसके ऊपर ये क्या हो गया? तना हो गया, मतलब पेड़ की जो तना होता है, ठीक है।
इसके ऊपर क्या होते हैं, पत्ते लगे हैं, पौधे लगे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो पत्तों को तने से जोड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है, बताओ जरा, पत्तों को तने से जोड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है? पेटियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटियोल कहा जाता है, ठीक है। इफ द CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीज द ब्रेथ शेल, बताओ जरा, ब्रीदिंग शेल, यदि रक्त में CO2 एक एकाग्रता बढ़ जाती है, यदि रक्त में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, अफेक्टेड, स्टॉप। इंक्रीज, डिक्रीज, अफेक्टेड, स्टॉप, बताओ जरा। देखो जल्दी बताओ जरा, श्वास मतलब जो सांस लेने का सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं करने लग जाता बंदा, क्या कर सकता है बेचारे के हाथ में रह क्या जाता है। चलो, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ, बताओ जरा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ, बताइए जरा, ये मुश्किल है, किसके कारण बर्फ पर चलना मुश्किल है? निम्नलिखित में से किसके कारण बर्फ पर चलना मुश्किल है? घर्षण की अनुपस्थिति के कारण, कम जड़ता के कारण, या अधिक जड़ता के कारण, या अधिक मास के कारण? जल्दी बताओ जरा। देखो बर्फ के ऊपर ना घर्षण नहीं होता, तुम पैर रखो बर्फ पे, फिसल जाओगे और मुंह के बल गिरोगे, 32 के 32 में से 22 दांत बाहर होंगे, बाकी दांत तुम्हें आर्टिफिशियल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, वर्क डन अपॉन ए बॉडी, शरीर पर किया गया कार्य, वर्क डन अपॉन ए बॉडी, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ वेक्टर और स्केलर, बताओ जरा। चलो, वेक्टर क्वांटिटी, देखो अगर बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का काम किया जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, समझो कैसे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य करो जिसमें तुम्हारा जोर भी लगे प्लस एक दिशा की तरफ काम करो, जैसे कार को धक्का मारो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी दिशा में तो मारोगे ना, पैन को उठाओ ऊपर नीचे कहीं तो उठाओगे ना, लेकिन कहीं काम हुआ, जोर तो पूरा लगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो चलो लगा दो। साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, परिवर्तन 2.0 10 मई तक आपको मिल सकता है 1499 रुपए में, एक साल की वैलिडिटी, भाई साहब सेल है, फायदा उठा लो, ठीक है। चलो, लाइव क्लास, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे तुम्हें इसमें। Which was the first web browser? पहला वेब ब्राउजर कौन था? आज तो भाई साहब हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, क्या ही नहीं यूज करते। Which was the first web browser? बताओ जरा, Which was the first web browser? जल्दी बताइए जरा। देखो, Netscape Navigator, ठीक है, Netscape Navigator सबसे पहला था, ठीक है। इसके बाद Microsoft ने भी अपना लॉन्च किया था, बिल गेट्स ने, हालांकि चला उनका भी नहीं। चलो, Which of the following acid is present in sour milk? खट्टे दूध में निम्नलिखित में से किस अम्ल, कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टा दूध, जो दूध खट्टा हो जाए उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, बताइए जरा। चलिए देखो, लैक्टिक एसिड, कौन सा लैक्टिक एसिड होता है अगर दूध खट्टा हो जाता है तो, ठीक है, कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू व्हिच कलर, अमल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? अमल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? देखो, इसका आंसर क्या बनता है? लाल रंग में, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट फूड चेन? देखो, एक बात तो मान लेना, कहां पे टीचर बस एक क्लास में 20-25 क्वेश्चन कराते हैं, मैं तुम्हें 40 से 40 से ऊपर करवा देता हूं, तो मतलब थोड़ा तुम लोगों का भी बनता है कि मुझे सपोर्ट किया करो, अगर मैं तुम लोगों का इतना करता हूं तो, ठीक है। देख लो, 297 पे खड़ा है, 300 पहुंच गए मुश्किल से। जितने भी लोग लाइव है एक बार लाइक कर दो, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार लाइक कर दो। चलो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, बताओ जरा। चलो चलो,
देखो ये फूड श्रृंखला काम कैसे करती है, ये कुछ इस प्रकार से जो पिरामिडल ट्रायंगल की होती है। देखो सबसे नीचे तो सबसे ज्यादा क्या होती है, घास। घास को कौन खाता है सबसे पहले, क्या होती है घास। हाँ घास सबसे पहले है, चारों में है। अब घास को कौन खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब कीड़ा कहाँ पर है भाई साहब, ये देखो यहाँ पर कीड़ा है, ये देखो कीड़ा। अच्छा कीड़े को कौन खाता है, मेंढक भाई साहब, जीभ निकालेगा लंबी सारी पिच करके खींच लाता है। मेंढक कहाँ पे है, ये पड़ा मेंढक। अब मेंढक को सांप डूस जाता है और सांप को जो ईल होती है ना वो उठा के ले जाती है। भाई साहब ठीक है, हो गया काम। ठीक है सबसे पहले घास है, घास को निपटा रहे हैं। कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में क्या है घास, उससे कम तादाद किसकी है, कीड़े मकोड़ों की, उससे ज्यादा कम क्या है मेंढक। मेंढक को निपटा रहे हैं कौन, मेंढक को निपटाने वाले हैं सांप, और सांप को निपटा देता है ईगल, ईल, बाज। बहुत कम तादाद होती है उनकी भी। ठीक है जो सबसे कम तादाद है वो सबसे ऊपर, जो सबसे ज्यादा तादाद है वो नीचे। ठीक है तो इस प्रकार से निपटारा हो रहा है सारी सिस्टम का। ठीक है इस तरह से पौड़ी चलाए जा रहे हैं सबके साथ। चलो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन, जो भारत में मेक इन इंडिया कैंपेन लगाया गया है, चलाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, निवेश की सुविधा, कौशल विकास को बढ़ाना, फोस्टर नवाचार या वित्तीय समावेशन। जल्दी बताओ जरा। देखो मेक इन इंडिया का सबसे मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना नहीं है, वित्तीय समावेश। अब पूछ सकते हैं कि यह वित्तीय समावेश होता क्या है। तुम खुद सोचो कि गांव में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं या शहरों में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास भाई साहब पैसा तो वो कमाते हैं खा जाते हैं या थोड़ा बहुत घर पे रखते हैं, वो बैंकों में पैसा रखते ही नहीं। जब तुम बैंक की व्यवस्था, जो मेन लाइन की व्यवस्था है देश की वित्तीय व्यवस्था, उसके साथ किसी व्यक्ति को जोड़ते हो तो उसे वित्तीय समावेश कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास बैंक अकाउंट होगा, मेरे पास होगा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में जुड़े हैं। लेकिन अगर कोई गांव का लोग जिसने कभी बैंक जिंदगी में देखा ही नहीं, बैंक में अकाउंट नहीं खोला, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं खोला, खाएगा वित्तीय समावेश, सारा पैसा उसने मिट्टी के नीचे दबा के रखा हुआ है। ठीक है ये सिस्टम है। हालांकि मेक इन इंडिया कैंपेन देश में उद्योगिक सेंटर ना, जो उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए लगाया गया था, फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट लाना था इसका उद्देश्य, कौशल को बढ़ावा देना था या इनोवेशन को बढ़ावा देना था। हालांकि ये चीजें भारत में हो तो नहीं है। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बैटरी, चलो किसने बैटरी की खोज की, जल्दी बताओ जरा, किसने बैटरी की खोज की, जल्दी बताओ जरा। देखो इसका आंसर क्या बनता है, डी एस्लांद्रो वोल्ट ने बैटरी की खोज की। ठीक है चलो भाई साहब ये बातें तो हो गई, कुछ अपनी बात भी कर लें। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, बड़ी सिंपल सी बात बताई थी, ओवरथिंकिंग नहीं करना। तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज इस बारे में सोचा है कि हाँ यार कहीं मैं सुबह से ओवर सोचता तो रह गया। कल रात को सोने से एक घंटा पहले क्या खुद को दिया था, अब कहेंगे यार एक घंटे क्या जरूरत है, तो 5 मिनट में सोच लूंगा कि हाँ मैंने सारा दिन में क्या किया। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। शायद चलो मान लिया कि तुम सारे दिन में कह दो कि यार एक सेकंड के लिए तुमने कह दिया, मैंने ये बात मान ली कि तुमने एक सेकंड के लिए ये कह दिया कि हाँ भाई साहब मैं सारे दिन में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे मन को उससे कितना प्रभाव पड़ा, तुम्हारे मन ने कितना बदलने का प्रयास किया खुद को, ऐसा नहीं ना हुआ। वो तभी होगा जब एक घंटा दोगे, क्यों, क्योंकि एक घंटे में विचार आएगा, अरे यार मैं तो मम्मी पापा के चेहरा देखा था, उन्होंने तो मेरे को लेकर बहुत सारे सपने देख रखे हैं, बहुत सारी चीजें सोचोगे तुम लोग, बहुत सारी चीजें, ये होता है सिस्टम। ठीक है तो समझे मेरी बात को, कौन कौन समझा है, तो थोड़ा अपना समझ देना एक दूसरे को। हेलो नेहा प्रजापति कहती मैं सिंध दिन भर सोती रहती हूँ। अच्छा दिन भर सोती रहती हो भाई साहब, कुंभ आज के युवाओं के सामने रावण का भाई कुंभकर्ण भी फेल है, सच बता रहा हूं। क्या बात है। लो एक शिवम राज ने भी कह दिया कि मेरा भी सेम केस है, दिन भर सोता रहता हूं।
चलो तुम में से कोई ऐसा भी होगा जो घर पे बैठा कभी पकोड़े शुरू हो गए, कभी बिस्कुट शुरू हो गए, कभी भुजिया खाना शुरू कर दिया, कभी मीठा खाना शुरू कर दिया, कभी रोटियां तोड़ रहा है, कभी सब्जी तोड़ रहा है, बाहर आके किसी ने तो घास खानी शुरू कर दी होगी। हो सकता है तुम में से कोई बाहर आके घास भी खानी शुरू कर दे, ठीक है? बता दो ना तुम में से ऐसा कौन है जो घास खानी शुरू कर देता है। प्रियंका यही कर लो तुम, बहुत है तुम्हारे लिए, बेफिक्र रहना। बस क्लास को आगे क्या बढ़ाना, हो गई आपकी क्लास। तो जो आपके मैंने बोला कि 70 प्लस कोर्सेज का परिवर्तन 2.0 लॉन्च हुआ, उसको देखना, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। जय हिंद साथियों। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो और जीडी के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। क्लासेस के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और ज्वाइन करें परिवर्तन बैच। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, परिवर्तन 2.0। मुलाकात होगी आप सबसे 70 प्लस कोर्सेज के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर।